ये है मेरा एक्सपीरियंस कोविशील्ड वैक्सीन को लेके, कोविड वाली वैक्सीन को लेके। हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका दिलदा मुंडा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हर्ष अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिलदा मुंडा। आज है 12th of May और कल रात को 11 तारीख को मैंने पूरी रात बैठ के बुकिंग अपनी दोबारा कर ली है, अपॉइंटमेंट बुक कर ली है नई वाली, क्योंकि वो वाला स्लॉट, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो मेरे साथ क्या हुआ है तो आपको वो व्लॉग देख के पता लग जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, अगर आपको पता करना है। तो बात यह है कि अगर मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ पे कि भाई ये देखो कल की मेरी अपॉइंटमेंट है और वो मना कर देते और वहाँ पे मैं फिर दोबारा से वापस आता, इससे बढ़िया मैंने खुद ही कैंसिल कर दी अपॉइंटमेंट और नई अपॉइंटमेंट मैंने कर ली। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को पास में भी मिल गई, अब मेरे को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा, मेरे 2.5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो और अच्छी बात है। तो आज जाऊँगा, आज अपनी वैक्सीनेशन लूँगा और फर्स्ट डोज कंप्लीट। और गाइज अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी डोज, जो अपना स्लॉट नहीं चुन पा रहे और अपना उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा, तो मैंने पिछले वाले व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिटेल में बताया है कि कैसे आप अपना स्लॉट चुन सकते हैं और आपको कैसे पता लग जाएगा कि स्लॉट अवेलेबल है। तो जाके वो व्लॉग देखो, आपको पूरे तरीके से पता लग जाएगा आपको कैसे आराम से वो बुक करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें आपको कैसा लग रहा है वैसे, इंजेक्शन लग चुका है जो आपको? जी, 2 दिन हो चुके हैं ना हमें आपको लगवाए हुए? तीसरा दिन है पर लग ही नहीं रहा, लगवाया था एक दो बार, बाजू दर्द हुई है। हाँ, और थकावट थकावट लगी है बस। बस और तो कुछ नहीं, बुखार बुखार नहीं चढ़ा ना मेरे को? तो बुखार नहीं चढ़ा। चलो ठीक है, बस देगा। और जिसको जिसको लगता है कि यार ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरी मम्मी ने लगवाया जो कि 45+ है और तो उन्होंने लगवाया, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। जो लोग ज्यादा ना गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी लगवा लीजिए, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें, जाके लगवाओ। The following day. So guys, मैं इस वक्त पी रहा हूँ चाय और चाय पी के और ब्रेड मक्खन खा लिया, कुछ खा के जाऊँगा क्योंकि खाली पेट वैक्सीनेशन लगवाना इज नॉट गुड। और ये रिकमेंडेड भी है कि कुछ खा कर आओ, कुछ मतलब खाली पेट मत जाओ। तो चाय पी रहा हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा वहाँ पर। तो गाइस मेरे को हो चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी 15 मिनट यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पे लंच टाइम हो चुका था जब मैं आया हूँ यहाँ पे 1:10 पे, और मेरे को 1.25 घंटा वेट करना पड़ेगा 2 बजे तक का कि लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो वेट करेंगे, अब बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। much later. फाइनली मैं वैक्सीनेटेड हो गया, फर्स्ट डोज आप भी जाके लगवा लीजिए। और मैं आज पूरा दिन बताऊंगा आपको कि मेरे को कोई फीवर आता है या फिर कोई सिम्टम्स कुछ भी होता है तो मैं पूरा दिन बताऊंगा आपको। ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना, मैं आपको पूरा बताऊंगा। और 30 मिनट उन्होंने ऑब्जर्वेशन रूम में रखा है, जो कि मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, ना ही किसी को हुआ, जहाँ पर वो जो लोग बैठे थे उनमें से भी किसी को कोई रिएक्शन नहीं आया, ना कोई दर्द है इंजेक्शन का अभी तक, हाफ है ना हो चुका है। A little longer than a few minutes later. So guys, मेरे को वहाँ पे लग गए 2 घंटे, डेढ़ दो घंटे कह सकते हैं मेरे को लग गए वहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के चक्कर में। और मैं आपको आज वो चीज़ें बताऊँगा जो कि कोई भी अपनी वीडियोस में बता नहीं रहा है, और डूज एंड डोंट्स बताऊँगा मैं आपको कि क्या करना चाहिए और किस किस को इंजेक्शन नहीं लग सकता वो भी बताऊँगा। अब देखिए, बुखार, जुकाम, कोरोना पॉजिटिव, खाली पेट, फीडिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी, इन सबको इंजेक्शन नहीं लग सकता। आपको इन चीज़ों में से कुछ भी है तो आपको इंजेक्शन नहीं लग सकता। और अगर आपको कभी भी बुखार चढ़े इस इंजेक्शन के बाद या स्वेलिंग हो, तो स्वेलिंग होने पे आपको बर्फ रब करनी है उधर और सिकाई करनी है, और या फिर अगर आपको बुखार चढ़ जाए तो क्रोसिन लेनी है या PCM लेनी है, यानी पैरासीटामोल। क्रोसिन भी पैरासीटामोल ही होती है। हाँ, तो गाइस आप क्या नहीं कर सकते वैक्सीनेशन के बाद? सबसे पहली बात, आप अपना मास्क लगाना नहीं छोड़ सकते, आपको मास्क लगाना ही लगाना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप फुली क्योर हो चुके हैं, यानी आप सेकेंड डोज भी ले चुके हैं तब भी आप
कोविड से बिल्कुल सेफ नहीं है, बस आपको क्या है कोविड थोड़ा कम होने के चांसेस हैं। ये वैक्सीनेशन कोई वो वाली वैक्सीनेशन नहीं है कि अब आपको होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी मत पालना। और आप कम से कम 45 डेज तक वैक्सीनेशन के अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, वरना वैक्सीनेशन ढंग से काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको अपनी एंटीबॉडीज़ बनानी है, तो वो एंटीबॉडीज़ नहीं ढंग से बना पाई क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। और अगर आपने दूसरी डोज लगवा ली है और सोशल डिस्टेंसिंग आपको फिर भी नहीं छोड़नी है, वो फिर भी आपको करनी है। और मैंने इंजेक्शन आज लगवा लिया है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कई लोग पूछेंगे कि आपने कौन सा इंजेक्शन लगवाया है, तो मैंने कोविशील्ड लगवाया है, और कोविशील्ड ही मेरे यहाँ पे अवेलेबल था तो मैंने कोविशील्ड लगवा लिया। अब कई लोग बोलेंगे कि कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी नहीं है और कोवैक्सीन बुरी है, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। दोनों जगह पे, सारी जगह पे यही लिखा हुआ है कि दोनों बराबर एफिशिएंसी से काम करती हैं और दोनों ही कारगर हैं कोविड के लिए। तो ये वहम मत पालो कि कोवैक्सीन ही लगवाऊँगा, कोवैक्सीन ही लगवाऊँगा, इसके चक्कर में आप वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाएंगे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपने। तो लगवा लीजिए अपने जाके, फर्स्ट डोज लगवाइए, और सेकंड डोज आपकी 28 से 45 डेज के बीच में लगेगी। सो गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 4 और मैं अपना खाना खा रहा हूँ। मैं लेट खाना खा रहा हूँ क्योंकि दिल नहीं कर रहा था खाना खाने का, और अभी तक सिर्फ मेरे को कंधे में बिल्कुल माइनर सा पेन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। और आज खाने में है गोभी के परांठे और दही, यही है, और साथ में देख रहा हूँ मैं टीवी, कोई मूवी शूवी देखूँगा और खाना खाऊँगा। सो गाइज, मेरे को 4 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी वैक्सीनेशन को, और मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है। और ये पिक्चर देख रहा था मैं, कॉम्प्लायंस, ये पिक्चर मत देखना भाई, इतनी चूतिया पिक्चर है ना ये, इसने मेरे 1 घंटा 23 मिनट ख़राब कर चुका है। अभी मैं 7 मिनट और ख़राब करने वाला हूँ, क्योंकि 7 मिनट की अभी ये बची है, 7 मिनट की अभी ये बची हुई है। और बाकी कोई और सिम्टम्स या फिर कुछ भी अगर मेरे को लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और 4 घंटे हो चुके हैं दिल्ली दा मुंडा हर्ष को लगे हुए, कोई सिम्टम्स नहीं है, ना कोई भी तरीके का आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया अभी तक, देखते हैं अब आता है कि नहीं आता है। ये देख रहे हो, ये रोज़ आती है मेरे घर के सामने वाले पार्क में, ये रोज़ चराने लेकर आते हैं यहाँ पर, काफ़ी प्यारी लगती हैं मेरे को। ये कुत्ता है बीच में, पता भी नहीं लगा, ये डेविल है। सो गाइस, मैं कभी कभी ऊपर आ जाता हूँ वॉक करने के लिए, कभी कभी क्या, वैसे तो रोज़ ही आ रहा हूँ आजकल, 3-4 दिन से रेगुलरली आ रहा हूँ, क्योंकि यार घर पे बैठे बैठे ना ऐसा ऊपर अंदर रह के ना थोड़ा सा ऐसा लगता है, गंदा सा फील होता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ऊपर छत पर सैर कर लेता हूँ। नीचे जाऊँगा तो मास्क वास्क पहनना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा झंझटबाजी है, इससे बढ़िया मैं घर पे वॉक कर लेता हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा, और लॉकडाउन तो आपको पता ही है चल रहा है। सो गाइस, आज मैंने वैक्सीन लगने की खुशी में मैंने दावत रखी है, इधर बन रहा है लेमन चिकन, और नीचे बन रहा है, और इधर बन रहा है केक उर्फ ब्राउनी, पता नहीं क्या बनेगी, मेरे को समझ नहीं आ रही है, ब्राउनी बनने वाली है कि केक बनने वाला है, देखो कैसा बनता है। जानने के लिए देखते रहिए दिल्ली दा मुंडा यूट्यूब चैनल। द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, मैंने दोपहर में 2 बजे लगवाई थी वैक्सीन, और रात के 2 या 3 बजे मेरे को उसका रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी, और मैं ठंड में लगी तो मैंने AC बंद करा, फिर मेरे को थोड़ी देर बाद और मेरी आँख खुली, मैं सो रहा था तो फिर मैंने पंखा भी बंद कर दिया, फिर उसके बाद मेरे को पसीने आने लग गए, बहुत ज़्यादा पसीने आते रहे, और थोड़ी देर में ही मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा लग रहा किसी ने दबा रखा है पूरा, इतना ज़्यादा गंदे वाला सिर दर्द था, और वो मैंने झेल लिया बहुत देर तक, ना ही मैंने कोई क्रोसिन खाई, ना ही मैंने कुछ भी खाया, और पूरी रात पसीने भीगता रहा, यहाँ तक कि मेरा जो सराहना है तकिया है के ऊपर भी काफ़ी सारे पसीने थे,
और ठंड तो मेरे को लगी रही थी थोड़ी थोड़ी, पूरी रात मैं ऐसे ही बैठा रहा। अब 1 बज रहे हैं और आज 13 तारीख है, अब मेरे रिएक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, मेरी आंखें भी साफ हो चुकी हैं, नॉर्मल हो चुकी है, लाल नहीं है अब, और पसीने मेरे को जो आ रहे हैं वो अच्छे वाले पसीने हैं, वो वाले पसीने नहीं हैं जो परेशान होने वाले पसीने होते हैं, तरेलिया कहते हैं, तरेलिया नहीं है। देखते रहिए दिलदा मुंडा यूट्यूब चैनल, इसके रिएक्शंस हैं आपको मिलेंगे 12 से 13 घंटे में, आपको उसका रिएक्शन आ जाएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए। ये है मेरा एक्सपीरियंस कोविशील्ड वैक्सीन को लेके, कोविड वाली वैक्सीन को लेके। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करके जाइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो।